से जाना चाहते हैं अयोध्या राम मंदिर, तो आपको बहुत ज्यादा अब मशक्कत करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, लखनऊ से अयोध्या राम मंदिर आप सिर्फ एक घंटे में पहुँच पाएंगे। अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आप एक घंटे में पहुँच पाएंगे अयोध्या। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है 450 करोड़ का तोहफा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का काम जोर शोर से चल रहा है। बीते 5 अगस्त को निर्माण कार्य को 30 साल पूरे हो गए हैं। बताया जा रहा कि जनवरी महीने के अंत तक नव निर्मित राम मंदिर परिसर में रामलला के दर्शन शुरू हो सकते हैं। इसी बीच एक और अच्छी खबर सामने आई। राजधानी लखनऊ से अयोध्या के बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करीब 446 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, जिससे लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग को सवारा जाएगा। हाईवे पर राम मंदिर से जुड़े प्रतीक भी लगाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 113 किलोमीटर लंबे लखनऊ अयोध्या राजमार्ग को सवारा जाएगा। इसमें हाईवे को नए सिरे से बनाने के साथ सुंदरीकरण भी किया जाएगा। हाईवे पर अयोध्या के ऐतिहासिक महत्व और राम मंदिर की झलक भी दिखाई जाएगी। इसके लिए विशेष रूप से तैयार साइनेस बोर्ड लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होकर सितंबर महीने से काम शुरू करने की योजना बनाई गई है। 6 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए 2 भागों में बांटा गया। एक भाग में हाईवे के 60 किलोमीटर के हिस्से और दूसरे भाग में 53 किलोमीटर के हिस्से को बांटा गया है। इसके लिए 2 अलग अलग कंपनियों को काम दिया जा सकता है। साथ ही जो कंपनी हाईवे को संवारने का काम करेगी उसे 5 साल तक मेंटेनेंस भी करना होगा। साल 2024 की शुरुआत में कार्य को पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया। हाईवे का कायाकल्प करने के बाद मटियारी से अयोध्या बाईपास को जोड़ा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।